हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला कि ये पार्ट वन है, तो पार्ट टू का इंटरेस्टिंग सरप्राइज़ ये है कि मैं बनी हूँ सेंटा क्लॉज, और मैं 3 साल से मैं ही बन रही हूँ, क्योंकि सेंटा क्लॉज बनना आसान नहीं है। वो क्यों, वो मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊँगी। तो फिलहाल बस मैं ऑलमोस्ट रेडी हो रही हूँ, पैंट पहन लिया है, ये है टॉप, और ये प्री प्राइमरी टीचर का है, तो बस उनसे मैंने बोरो किया, क्योंकि ऑफकोर्स ये फ्री साइज़ रहता है तो सबको आ जाता है। अब ये फाइनल है सेंटा कैप, एंड आई एम गुड टू गो, एकदम रेडी। बाल भी मैंने अच्छे से बांध लिए थे, और ये देखो मेरा एक्साइटमेंट सेंटा क्लॉज बनने का, इतना को एक्साइटेड रहेगा, बट मैं हूँ, क्योंकि मुझे एंटरटेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सांता क्लॉस। मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए, बच्चों को मिलना है, मिलता हूँ थोड़ी देर में। अब मैं निकल चुकी हूँ सारे क्लास में जाने के लिए, और ये देखो सब बच्चे ऑलरेडी एक्साइटेड हो रहे हैं। ये है मेरी एंट्री, तो सेंटा क्लॉज इसी तरह चलते हैं, एकदम एन्जॉयमेंट के साथ, एकदम वेलकमिंग, कि सारे बच्चे बस खुश हो जाए सेंटा क्लॉज को देख के। तो मेरा यही मोटो रहता है हमेशा। और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड से जाने का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं हमारा। प्लीज़ इग्नोर माई, थोड़ा सा फट गया था तो दैट्स ओके। और यहाँ पे मैं बस बच्चों के साथ डांस कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, ताकि उनको लगे सच में सेंटा क्लॉज आया है, क्योंकि धीरे धीरे ये लोग को भी समझेगा कि क्रिसमस का क्या इंपॉर्टेंस है, सेंटा क्लॉज क्यों आता है, क्योंकि सेंटा क्लॉज खुशियाँ लेके आता है। तो बस यही है, गिफ्ट्स एंड ऑल तो ठीक है, बट सिर्फ उसको देख के देखो सबके चेहरे पे खुशी आती है, स्माइल आती है, तो वही सेंटा क्लॉज का मेन मोटो है। स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है सेंटा क्लॉज। और फिर मैं आ गई दूसरे क्लास में, क्योंकि बस अभी हमें सब क्लास में जाना है, सबसे मिलना है कि सबको अच्छा लगे। और यहाँ पे यह है प्रियंका टीचर, जो मेरी वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड है, और बस उसके साथ भी मैं थोड़ा डांस कर रही थी, उसको भी मज़ा आ रहा था, वो भी एक मस्त डांस करती है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी, आप देख सकते हो। और उसके क्लास के बच्चे भी उसकी तरह है, फुल ऑन एनर्जेटिक, एकदम मज़ा आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी मस्ती, और अभी एंट्री दूसरे क्लास में, अगेन फर्स्ट ग्रेड का क्लास है। यहाँ पे टीचर है प्रिया मिस, थोड़ा उनके साथ भी ठुमके लगाए, क्यों नहीं दोस्तों, सभी को सेंटा क्लॉज पसंद है, कोई एज लिमिट एज बार नहीं है। ये आ गई मैं सेकेंड क्लास में, और ये क्लास के भी बच्चे भी बहुत स्पेशल है मेरे लिए, ये लोग भी बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा मुझे चाहते हैं ये लोग, अगर उनको पता चला कि मैं हूँ तो वो लोग आके सीधा हग करने लगेंगे। थैंक गॉड उनको किसी को इतना पता नहीं चला। और ये है उनकी क्लास टीचर ज्योति मिस, जिनके साथ अगेन मैं थोड़ा सा डांस कर रही थी, फिर उसी के साथ मैंने डांस किया मयूरी मिस के साथ, और ये भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है कम टाइम में। ये हमारी पीई टीचर है, थोड़े उसके साथ भी ठुमके लगाए, क्योंकि वो ही आज मेरे साथ आई थी, मुझे संभाल रही थी कि बच्चे मेरे से क्लोज ना आए या मुझे लगे नहीं, और थोड़ा सा कैमरा मैन का काम भी कर रही थी। तो ये सारे वीडियो जो भी आप देख रहे हो सब उसी ने शूट किया है। फिर मैं आई मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्लास, जो बहुत नोटोरियस है, बहुत नॉटी क्लास है, और लास्ट ईयर मैं इस क्लास की टीचर थी, तो ये बच्चे तो मुझे समझ भी गए कि हितेश्री मिस है, पता नहीं कैसे मैंने शूज़ पहने हैं फिर भी, वरना मैं जल्दी शूज़ पहनती नहीं हूँ। और ये है नेक्स्ट क्लास, अगेन सेकेंड ग्रेड का, और ये बच्चे थोड़े मुझे मतलब बेचारे एकदम शांत लगे, कि टीचर ने इतना शांति से बिठाया था वो लोग को, कि मुश्किल से वो लोग फ्रीली उठ रहे थे या डांस कर रहे थे, बट ठीक है, ये भी एक अच्छा लगा मुझे कि अपने अपने प्लेस पे एंजॉय कर रहे थे, ज़्यादा भीड़ नहीं जमा की, दैट्स ओके, सबका अपना स्टाइल एंजॉय करने का। और ये कंचन मिस, इसकी क्लास टीचर, ये भी बहुत अच्छी है, और थोड़ा उसके साथ भी मैंने ठुमके लगाए। फिर अगेन ये मेरा अनदर फेवरेट क्लास, क्योंकि मैं इस क्लास की भी टीचर रही हूँ, तो ये है अगेन सेकेंड ग्रेड का क्लास, और ये है टीचर संगीता मिस। ये क्लास का तो एंथुजियाज्म लेवल अनदर है, और ये लोग एक्चुअली में समझ गए कि ये हितेश्री मिस, आई डोंट नो हाउ, बट ये लोग ने 2-3 बार बोला हितेश्री मिस हितेश्री मिस, बट ऑफकोर्स मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वरना मज़ा नहीं आता। फिर आई मैं नेक्स्ट थर्ड स्टैंडर्ड के क्लास में, जो है श्वेता का क्लास, अगेन ये मेरी फ्रेंड है, और ये लोग को बस मैंने थोड़ा उल्टा रह के एंट्री मारा कुछ अलग, तो
ये लोग भी बहुत खुश हो गए मुझे देख के, इनफैक्ट नॉट मुझे, सेंटा क्लॉज को देख के। फिर डांस तो बनता है, और ये टीचर्स कुछ ऐसे जो कभी डांस ही नहीं करते हैं, हमेशा पीछे खड़े रहते हैं, तो बस आज मुझे मौका मिला तो इनको भी थोड़ा सा ठुमकी लगवाए, नचवाया, और फिर क्लास वालों ने एंजॉय किया, सबको चॉकलेट्स दिए, क्योंकि सेंटा क्लॉज तो ऐसे ही चॉकलेट्स देते हैं। तो बस वो करके मैं निकली, और फिर मैंने बोला कि चॉकलेट ख़त्म हो गए, भरने पड़ेंगे। फिर मैं आई 3rd ग्रेड के अनदर क्लास में, जो है डॉली मिस का क्लास। ये अगेन मेरी अच्छी फ्रेंड, ऑफकोर्स मेरे सभी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ थोड़ा डांस किया। फिर ये थी छोटी सी क्यूट प्रनिका, इसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट वो लोग को भी समझ गया हितेश्री मिस है। और फिर बस मैं निकल रही थी तो बच्चे मुझे जाने नहीं दे रहे थे, लिटरली बाहर आ रहे थे, और ये है मेरा हाल लिफ्ट में। फिर मैं अगेन गई दूसरे क्लास में, ये है हिंदी की टीचर, उनके साथ भी डांस किया, बबीता मिस। फिर अगेन नेक्स्ट क्लास में, बस सब जगह ऐसे ही एंट्री मार रही थी, सबको मज़ा आ रहा था, और यहाँ पे वो लोग का एक्टिविटी था वो भी चल रहा था। फिर अगेन मैं गर्ल्स को पकड़ रही हूँ, उनके साथ डांस कर रही हूँ, इन्वॉल्व हो रही थी किड्स में, क्योंकि आई फील ये बेस्ट वे है टू गेट यू नो क्लोज विद द चिल्ड्रेन, या उनको भी इन्वॉल्व करो ताकि उनको लगे कि सब कुछ लाइक कंफर्टेबल है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे डांस नहीं करते हैं, तो ऐसे पकड़ के नचवाएंगे तो और अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा मस्ती कर रही थी कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, आऊँ कि नहीं, फिर मैंने आ जाओ प्लीज़ आ जाओ, तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा पीछे जाए, क्योंकि बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी मेरे पास, तो उनको थोड़ा पीछे किया। और ये भी है ग्रेड 3 का क्लास, और यहाँ पे है सुमन मिस टीचर, आई मीन सुषमा मिस। फिर मैं आई अनदर क्लास में, जो है 4th ग्रेड, और यहाँ पे भी बहुत मज़ा आ रहा था, और ये सुषमा मिस के साथ तो अलग ही मज़ा, क्योंकि ये लोग कभी नहीं डांस करते, जैसे मैंने आपको पहले बोला। यस ये है बॉबी मिस का क्लास, उनकी तरह एकदम एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी, वो लोग बहुत मज़ा किए। बॉबी मिस भी एकदम फन लविंग है, तो वो भी बस थोड़े मोमेंट्स कैप्चर कर रहे थे साइड में। फिर उनको बोला आप भी थोड़ा डांस करो हमारे साथ। फिर ये आई अनदर क्लास में ग्रेड 4 का, और यहाँ पे मेरी फ्रेंड डिम्पल बैठी, तो उसको बोला प्लीज़ थोड़ा हैंडल करो, मुझे पता है सब मेरे फ्रेंड्स हैं, बट प्लीज़ हैंडल करो। फिर मैं थोड़ा उनको दूर गई, फिर मैंने स्टार्ट किया डांस करना, फुल एंजॉय कर रहे थे वो लोग। और यहाँ पे भी एक दो जन ने बोला कि हितेश्री मिस है, बट फिर एक इतने बच्चे ऑब्जर्व करते कि एक ने बोला नहीं हितेश्री मिस शूज़ नहीं पहनती, और फिर मैं गरबा कर रही थी, फिर बोला कि हील पहनती है, बट फिर भी मतलब वो लोग इतना सोच रहे थे, सोचो इतना ऑब्जर्व करते टीचर्स को। फिर ये डिम्पल के साथ डांस किया, जो हमारी काउंसिलर है, अगेन ये मेरी वेरी गुड फ्रेंड। फिर ये है काजल मिस, ये भी अच्छी फ्रेंड है मेरी, सभी मेरे फ्रेंड्स हैं इनफेक्ट, थोड़ा इनके साथ भी डांस किया क्योंकि ये लोग ही ये क्लास संभाल रहे थे। फिर आए हमारे कोऑर्डिनेटर प्राइमरी, जो है स्मिता मिस, जिन्होंने ये साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बैक टू बैक हमारे इतने प्रोग्राम्स थे, टाइट स्केड्यूल था, तो थोड़ा उनको भी मूड लाइट करना था, तो उनके साथ भी डांस किया, ताकि सभी को हक है इतना काम किया उसके बाद रिलैक्स हो, तो बस उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा डांस किया, उनको भी मज़ा आ रहा था, एंड शी वॉज हैविंग फन, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था, हम लिजिट इतना डांस किए, इतना डांस किए, इट वॉज फीलिंग द बेस्ट आई स्वेयर। तो इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया, मज़ा आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जो हितेश की जानी, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मैरी क्रिसमस।